राजस्थान की आदिम संस्कृति के अपने अलग रंग हैं। प्रकृति की गोद में रहने वाली जनजातियों का रहन सहन, संस्कार और संस्कृति देश की अमूल्य धरोहर है। राजस्थान में मीणा, करासिया, कथौड़ी, भील, सहरिया आदि अनेक जनजातियां बसर करती हैं, जिनकी संस्कृति भले ही तकनीकी युग से अनभिज्ञ हो, मगर उनका रंग और उनकी उमंग आज भी नजर आती है। ये जातियां वन क्षेत्रों में रहकर मेहनत मजदूरी करके जहां अपना गुजर बसर करती हैं, वहीं इन्होंने अपने जीवन, अपनी लोक परंपराओं को आज भी जीवंत और रसपूर्ण बनाए रखा है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी अंचल में मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़े 12 जिले का गांव शाहबाद ऐसा क्षेत्र है जहां बसर करती है सहरिया जनजाति। सहरिया शब्द की व्युत्पत्ति हिंदी शब्द सहरा से हुई, जिसका अर्थ जंगल से है, अर्थात सहरिया जाति वनों में बसर करने वाली जाति है। इस जाति को मुख्य धारा में लाने के लिए इनके लिए 12 जिले में शाहबाद और आसपास के गांवों में बस्तियां बनाई गईं। इनमें पुरुष मेहनत मजदूरी करते हैं तो महिलाएं घर का काम जैसे धान कूटना, भोजन बनाने के अलावा पालतू पशुओं की सार संभाल करती हैं। बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ दिन भर बस्ती की गलियों में खेल कूद करते नजर आते हैं। तीज त्योहार और शादी ब्याह का इनके जीवन में विशेष महत्व होता है। इनके परिवारों में मांगलिक व वैवाहिक अवसरों पर घर का रंग रोगन करने के बाद दीवारों को सुंदर और रंग बिरंगे मांडनों से सजाया जाता है। स्वांग इस जाति द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है तथा गांव-गांव में स्वांग करने वाले दल हैं। गांव में बच्चों को जैसे ही पता चलता है कि स्वांग खेले जाने वाला है तो बच्चों की टोली कलाकार के पीछे दौड़ पड़ती है और फिर जमता है सहरिया स्वांग का रंग। ये स्वांग अधिकतर होली के महीने में ही गाए जाते हैं सा। होली के पूरे महीने में हम इसको स्वांग बना के और चौपाल में बैठ जाते हैं तो हमारे बच्चे सीखते रहते हैं, लेकिन ये सुनते हैं तो वो भी अच्छे मगन होते हैं, उसको हमारा मनोरंजन हो जाता है। सहरिया स्वांग में ये होता है, एक तो ढोलक बजाता है, एक नगाड़ी बजाते हैं जो उसको तैयार करते हैं खाल लेकर, और एक मटकी है उसको आधा काट के उसके ऊपर खाल को चढ़ा के और उसको पका के तैयार करके और नगाड़ी बनाते हैं, उसको बजाते हैं। स्वांग में महिला का वेश धारण किए पुरुष के इर्द गिर्द नृत्य किया जाता है तथा तैयारी के लिए गांव में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हैं। कमर और सिर पर पत्ते धारण कर हल्का फुल्का मेकअप कर मजदूरी में काम आने वाली सब्बल को घंटी बनाकर और तगारी को ताल वाद्य बनाकर नाचना शुरू कर देते हैं। स
सहर या स्वांग की मुख्य विशेषता है उसमें काम में लिए जाने वाले रंग जो इस कला को एक अलग रूप प्रदान करते हैं। शहरी प्रभाव तथा अपनी कला को दर्शनीय और सुंदर बनाने के लिए सहरिया प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं। स्वांग के प्रत्येक किरदार को अलग अलग रंग दिया जाता है। और फिर हारमोनियम, ढोलक और विशेष प्रकार का एक वाद्य जिसे इन स्वांग कलाकारों ने धूम धड़ाका का नाम दिया है कि लय पर दोहे व छंद गाते हुए नृत्य करते हैं। पहले हमारे गांव में, देहातों में, डाणियों में इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत हुआ करते थे, क्योंकि पहले कोई मनोरंजन का साधन नहीं था। मनोरंजन के रूप में इसी प्रकार के स्वांग और इनसे अपना मनोरंजन करते थे। इस कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए गांव में ही कलाकारों द्वारा बच्चों को गायन व नृत्य का अभ्यास करवाया जाता है। स्वांग में गाए जाने वाले दोहों और छंदों का बाकायदा रियाज करवाया जाता है। इनमें प्रेम, विरह, मौज मस्ती जैसे विषयों पर छंद होते हैं। शाहबाद के पास सीताबाड़ी में हर साल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और आसपास के गांव में रहने वाले सहरिया समुदाय के लोग भाग लेते हैं। यहां भी इनके द्वारा स्वांग प्रदर्शित किया जाता है। शहरीय स्वांग नृत्य मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, भस्मासुर स्वांग, काली का स्वांग और होली का स्वांग। भस्मासुर स्वांग ये फागुन के महीने में के 5 दिन बाद यानी कि रंग पंचमी के अवसर पे किया जाता है। सहरिया स्वांग का जो आनंद है ये हास्य रूप में है। लोग इसको हंसी मजाक और ठिठुली में भी लेते हैं। जब होली खेलते हैं, जब एक दूसरे के घर पे जाते हैं तो उनसे मजाक भी करते हैं। मजाक में इसमें कुछ ब्रेक की गीत भी गाए जाते हैं। गोरी तेरे बैसैना काटी ले, अरे कैसे करें गोरी धने कड़ी भी आका जरे की, अरे डीबी आका जर की है मोह पे जनो जनरी मांगत के।
गीतों में श्रृंगार रस और करुणा रस और वीर रस सभी प्रकार से ये गीत गाए जाते हैं। यही शहरिया सॉन्ग का एक मुख्य स्वरूप है। अरे नैना मरोरी गए, नैना मरोरी गए, अरे नैना मरोरी गए, ओ नैना मरोरी गए, अरे भैया पकड़ कंता छोड़ गए आज मुझे नैना मरोरी, भैया पकड़ कंता छोड़ गए आज मुझे नैना मरोरी, भैया पकड़ कंता छोड़ गए आज मुझे नैना मरोरी। हमारे जो बेस्ट जोन कल्चर सेंटर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उनने इस शहरिया सॉन्ग को बहुत बढ़ावा दिया है। शहरिया सॉन्ग अब देश विदेशों में भी अपनी एक अनूठी छाप छोड़ रहा है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा इस जनजाति की कला को अपने आयोजनों में बुलाया जाता है तथा आज ये कलाकार न केवल अपने गांव बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना सके हैं। उदयपुर में आयोजित हस्तशिल्प व लोक कला उत्सव, शिल्प ग्राम उत्सव तथा नई दिल्ली तथा अन्य बड़े शहरों में इनकी कला को लोगों द्वारा काफी सराहा जाता है।